रिजवान जी समाइम्स इट्स एक्टिंग समाउट एवरेज यू आर एवरेज प्लेयर वहाँ पे इनसे नमाज पढ़वा लो इनसे ड्रामे करवा लो इनसे मतलब इंडिया में जो मर्जी जितना ड्रामे बाज कोई इंसान हो सकता है वो, वो रिजवान है। उसकी उसकी लिमिट रिजवान है सच बात तो यही है। सही बात है। है ना अच्छा रन भी मारे हुए ऐसा नहीं कि रन नहीं मारे हैं रन भी हैं उसके कम दोनों एक टाइम पे बाबर भी और रिजवान भी नंबर वन टी ट्वेंटी बैटर इन द वर्ल्ड रहे रैंकिंग वाइज अभी भी उसके ऑलमोस्ट की है जब आपका इंटरेस्ट तमाशों में ज्यादा होता है ना कि मैं दिखावा ज्यादा कर लू कि मेरी कॉम बोले माशाला वाह रिजवान वाह 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 क्या बात है सुभान अल्लाह والله काफिरों के घर में जाके नमाज पढ़े वहीं पे इनकी क्रिकेट खत्म हो जाती है वहीं पे क्रिकेट खत्म हो जाती है जब आप ये ड्रामेबाजियां करनी शुरू कर देते हैं ना आप भी क्रिकेट वहीं पे खत्म हो जाती है और वहां पे नहीं रुकना ना हम्म नौटंकियां इसकी देख लो बॉल पे बीट होगा जमीन पे लेट जाएगा कि आ बहुत हो गया बीट हो गया रिजवान तो भाई ठीक है अक्नॉलेज कर बॉलर को यार वेल बोल्ड आ वहां पे कड़क के बैठ जाएगा फिजियो आ जाएगा फिजियो का आंख मारेगा कोई बात नहीं थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगा उड़ जाऊंगा रिजवान मोमेंटम लेके आते हैं इंजरी के साथ भी मोमेंटम जब मिलता है तो मोमेंटम के साथ वो एवरेज प्लेयर बन जाते हैं और एवरेज प्लेयर बन फिर वो एवरेज बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं और भाई वे पता है रिजवान की आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है देखो ये भी हो सकता है पॉइंट क्या हो रहा था ना कि हम बात कर रहे थे मिडवे की कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मिडवे क्या बेटर है अच्छा वहां पे ना शाहरीदी गए फिर मन में ना रिजवान की एक उम्मीद जागी कि क्या पता मैं कप्तान नहीं। 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 क्या पता मेरी बारी आ सकती है अब क्या ये परफॉर्मेंस में वही तो हैम्पर नहीं कर गया कि आप कप्तान नहीं बने और आपकी परफॉर्मेंस गिर गई जो मैंने पाकिस्तान को स्टडी करा ना कोई किसी को सगा नहीं तेरी तरह है वो भी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं बिल्कुल तेरे वाली कहावत किसी को नहीं ठगता वो तो हमें पता ही है ना ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तूने ठगा नहीं तो वही वाली बात इधर भी है आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लो इनके किनी भी दो प्लेयरों में कभी बनी ही नहीं है किसी को कोई पसंद ही नहीं है कोई पसंद ही नहीं है भाई किसी की तरक्की नहीं देख सकते ये लोग ये फैक्ट है मैंने जितने पाकिस्तानियों को देखा और मैं पाकिस्तानियों के मुंह में बोलता हूँ जिस दिन तुमने ये आदत छोड़ दी ना तुम वर्ल्ड बीटर्स बन जाओगे अच्छा सच में है तो सेम ही हमारी कौमी है और क्या है आप जो मर्जी बुला लो आप रिलीजन के बेस पे अलग हो गए ड्रामेबाजियां करवा लो लेकिन हो तो सेम ही लोग वहां पे जाके आपने अलग अपना मुल्क बनाया उसके अब आप देख लो आपका अपना मुल्क है भाई अपनी तरह करो क्या रहे हो लेकिन उसमें उसमें जो आप आपने जो जलन और ये जो बोल बोलो ना कि एक दूसरे को नीचा खींचना सबसे ज्यादा वकार वसीम अक्रम इनसे बड़े बोलर नहीं आए इनसे बड़े बोलर नहीं आए कभी एक दूसरे के लिए अच्छा बोला इन्होंने अब 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 ड्रामा ड्रामा करके एक साथ बैठते हैं वरना नीचे ही अब तो करना पड़ेगा आपको जितने भी लोग थे इनके यार इमरान खान जावेद जावेदा उनमें भी बाद में फिक्शन है ना सारे बंदे एक दूसरे को नीचे शा, शाहिद आफ्री खेले इनके साथ यूनिस् खान वगैरह के साथ हमने जी कुरान पाक पे हाथ रखे हमने ये वो करा वो करा पता नहीं कौन सी मीटिंग्स कर ली हमने एक दूसरे को नीचा खींचाने के लिए दुनिया में मैंने ऐसा कोई क्रिकेट कल्चर नहीं देखा कहीं पे जहां पे कोई भी खेल रहा उससे जलन इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा कि भाई इसको कैसे मिल गया ये ये कैसे इसको ये कैसे इसको सक्सेसफुल हो गया हम कैसे बाहर हो गए अब तुमने तुम्हारे टाइम में कमा लिया तुम अच्छे खासे रहे शोएब अख्तर ने ये इल्जाम लगाया था अपने सीनियर्स पे कि मुझसे जलते थे बात भी सच है भाई वसीम अकरम और वकार यूनिस और इनसे बड़े तो बोलर ही नहीं थे तो शोएब अख्तर तो बच्चा था बट

थोड़ा बहुत सब जगह होता है हमारे यहाँ पे भी अब ये आ गया है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है लेकिन इधर तो हदें पार है ना ये शाहीन आफरीदी एक तरफ है उसकी तुमने बेजती करवा दी बाबर आजम एक तरफ है रिजवान किस तरीके का पैंतरे खेल रहा है वो किसी को नहीं पता वो क्या चाह रहा है तो ऐसी बात नहीं है कप्तान सभी को बनना है कप्तान सभी को बनना पाकिस्तान में पावर सभी को चाहिए जितना मर्जी बोल लो कि हम बाबर के पीछे खड़े हुए हैं हम वो हमारा कप्तान है वो हमारा ये है वो हमारी जान है वो हमारा आँख है दूसरे दिन बोलेंगे भाई हट कहाँ ना तू निकल यहाँ से हम आ गए हम हैं तू क्या है तो और उसको भी पता है ये बात वो भी यही एटीट्यूड रखता है दूसरों के लिए तो रिजवान तो मुझे एक मतलब अजीब वरीबी पीस लगता है वो तो मतलब ठीक है उसने रन बनाए हैं प्लेयर को इतना वो मेरे को बड़ा नहीं लगता कभी भी नहीं लगता था लेकिन वो बड़ा हार्ड वर्किंग इंसान है बहुत ज्यादा मेहनत करता है हार्ड वर्किंग इन द हार्डवर्किंग ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है फर्स्ट पर्सन इन द नेट्स एंड इज अ रियल उसके पास टेक्निक या तो, क्या बोलू मैं स्किल इतना नहीं है हार्ड वर्क लेकिन उसके पास एक विल है टू फाइट उसके बेसिस पे उसने रन मारे और टी ट्वेंटी में सक्सेसफुल भी रहा है लेकिन अब काफी टाइम से उसको वो चीज चली नहीं रही अभी तो कोई सक्सेसफुल लगे नहीं, नहीं रहा बट चली लेकिन चली आपको चली एक चीज जनवली पता है मैं आज एक स्टेटमेंट देख रहा था अब हम बात ही कर रहे देखो इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली अगला गेम हमारा गे, बड़ा सो मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट आई भी थोड़ी देर पहले शायद आप लोगों ने सुनी ली होगी कि मोहम्मद आमिर रोहित शर्मा को लेकर कहते कहते हैं कि अगर वो पंद्रह बीस बॉले खेल गया फिर तो नहीं छोड़ेगा मतलब ऐसे उन्होंने बताया कि छोड़ता नहीं अभी है विराट कोहली को आउट करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है शायद मैं याद नहीं है, मुझे लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि बहुत मुश्किल है कोई लेकिन उसने रोहित शर्मा को बहुत हाईली रेट करा था कि भाई ये करियर खत्म कर सकता है आपका ये करियर खत्म कर सकता है अगर इसका दिन और सच भी है हमने देखा ये ओडिया क्रिकेट में क्योंकि उन्होंने झेला हुआ रोहित दो सौ दिया हुए उन्नीस में भी सौ मार दिया था अठारह और चौबीस में भी तेईस में, भी था, में यास यास, तो इन्होंने देखा हुआ है कि रोहित शर्मा ने किस तरीके से मारा लेकिन तीन चार टाइम्स है ना रोहित शर्मा का चल नहीं रहा है इन टी ट्वेंटी अब वो ड्यू है अब हो सकता है कि भाई सारी सुपर चैट लेंगे एंड में आप घुमाते रहिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आ, वो हंड्रेड परसेंट मुझे पता है कि अगर रोहित शुरू में सेट हो गए मारेंगे बहुत और आमिर ने ये भी बोला है कि रोहित शर्मा को शुरू में एक ही चीज करूंगा मैं मतलब करता हूं मैं हर बार जो ट्राई मारता हूं कि पैरों पे गेंद

Right? उट हो गई है तुझे क्या लग रहा है, ये तेरा पिशावर का मैच चल रहा है। <laughs> या ये तेरा कोई गुजरावाला में लोकल या पिंडी में लोकल खेतों में मैच चल रहा मुंह उठा के आ गया है, लपे घुमा रहे हैं वहां पे भाई वर्ल्ड कप का मैच है तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तुमको वन डाउन खिला रहे हैं उस देश के लिए जिस देश में पागल है लोग क्रिकेट के लिए करा क्या उसने उस मैच में मरवा के चला उससे के? पहले भी कुछ नहीं किया उसने नहीं तो वो आई, वो से उठ के आया पी एस एल में एक दो सौ बना दिए थे उसने और तब से उस्मान खान उस्मान खान और आवाम भी तो ऐसी ही ना कल में बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे कल यही सारी बातें हो रही थी जब हारे थे मजा भी आया था मतलब उधर क्या हाल है जरा देखू मैं तो उसके बारे में सब लोग यही बोल रहे थे कि भाई हमारे यहाँ तो ये है कि किसी ने दो रन बना दिए किसी ने दो छक्के मार दिए जो उसको खिला दो